औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मज़ीद नाज़रीन, आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का एक इंतहाई दरीना मसला है और वो मसला एक आम ग़िज़ा के अंदर मौजूद है। अगर वो इसको इस्तेमाल कर लें तो उम्मीद वासिक है कि वो मसला उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा जल के इज़्ज़त से ख़त्म हो जाएगा। तो वो मसला का हल भी आपको बताते हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसूर का साग। मसूर के साग के अंदर ही इस दरीना मसले का हल है और वो मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद नाज़रीन, मसूर का जो साग है ये चेहरे के दाग, धब्बे और जिगर की कमज़ोरी को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ये बड़ा मौसर है। रब्बे कायनात ने मसूर के पौधे को ग़िज़ाई अज़ाज़ से माला माल कर दिया है। ये बड़ी माला माल प्रोडक्ट है, इसमें प्रोटीन, कैरोटीन और मादरी नमक बड़ी मकदार में मौजूद है और इसके इस्तेमाल से पुरानी कब्ज़ और गैस दूर हो जाती है और जिगर की कमज़ोरी, पेट में पानी जो जमा हो जाता है, ऐसे मरीज़ों को मसूर के साथ चनों का साग बराबर वज़न में मिलाकर दलिया के साथ इस्तेमाल करवाएं, बहुत फ़ायदा होगा और चंद दिनों में ही जिगर, पेट, हाथ पाँव का वर्म ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मसूर, चना और बथवा का साग, वो जो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी ख़ास बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बड़ा दरीना मसला ख़त्म करने वाला हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के इज़्ज़त से, तो वो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मसूर, चना और बथवा का साग मुसलसल इस्तेमाल करके, इन तीनों को मिक्स करके और मुसलसल इस्तेमाल करके जो लोग बर्स के निशानात का शिकार हैं उनके निशानात मादूम पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ो अजल अल्लाह के इज़न से। बर्स के निशानात, लीकोडर्मा स्पॉट्स, सफ़ेद चिट्टे, आमतौर पर लोग कहते हैं जी मछली के खाने के बाद दूध पी लिया था तभी ये सफ़ेद दाग हो गए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मसूर, चना और बथवा का साग इकट्ठा करके, मिक्स करके पकाएं, खाएं, ये दाग ठीक करें, मेरे लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला आपको इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।